सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लीजिए एलडी प्लेयर। फिर एलडी प्लेयर के आप लोगों को वेबसाइट में चल जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉयड 5.1 का वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस करते ही इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। इसके सेटअप को डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को बस इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब ये एमुलेटर इंस्टॉल होगा ये लगभग 300 MB का फाइल डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद ये खुद ही खुद को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है। तो एमुलेटर के इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को बस इस एमुलेटर को अभी ओपन कर लेना है। और जैसे ही ये एमुलेटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को जाना होगा ब्राउज़र में, फिर यहाँ पर सर्च कर लीजिए पीजी साफ। फिर यहाँ पर पीजी साफ का वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउनलोड ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है उसमें प्रेस कर दीजिए। उसमें प्रेस करते ही यहाँ पर पीजी साफ का एपीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों का पीजी साफ का एपीके का डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को बस इसे इंस्टॉल कर लेना है। पीजी साफ को इंस्टॉल करने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये पहली बार किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहा है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग को गेम को बस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम लोग को यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन करना है। आप लोग याद रखना होगा कि आप लोग यहाँ पर फेसबुक से ही लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों का गेम यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। इस एलडी प्लेयर की खास बात यह है कि यहाँ पर गेम एक ही बार में स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इसे मोमो प्लेयर से कंपेयर करूँ, वहाँ पर गेम स्टार्ट करने टाइम ज़्यादातर क्रैश करता है। तो यहाँ पर गेम को अगर आप लोग एक ही बार में डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर एलडी प्लेयर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर गेम के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एलडी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। अगर मैं इस वाले एमुलेटर को मोमो प्लेयर से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर मुझे कम से कम 30 FPS हमेशा मिलते रहते हैं। यहाँ पर मेरा FPS काफ़ी बार डाउन होता है और गेम काफ़ी ज़्यादा लैग भी करता है। शायद मेरे PC के स्पेसिफिकेशन उतने ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए मेरा गेम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। लेकिन यहीं पर मेरे सेम PC में मोमो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलता है, वहाँ पोकेमॉन को एकदम स्मूथली चलता है। तो अगर आपको गेम को ज़्यादा स्मूथली खेलना है बिना लैग के तो मोमो प्लेयर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों को गेम को जल्दी स्टार्ट करना है तो एलडी प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी एमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं पोकेमॉन गो को खेलने के लिए। मुझे पर्सनली मोमो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है पोकेमॉन गो के लिए। आप लोग जो भी चाहे उस एमुलेटर को लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।